हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हमने लास्ट लेक्चर में जो है यूपी टेट का जो कैंसिल पेपर है उसको सॉल्व किया था मैथ्स का, ठीक है। और उससे पहले जो हमने सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू किया था, सिंपल इंटरेस्ट का एक लेक्चर हो चुका था। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पढ़ते सिंपल स्टेप्स के कुछ और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं या पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर देरी ना करते हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में 16,000 रुपए हो जाती है। तो इसमें दर पूछ रहा है, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। यानी कि कोई भी अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट से 12,000 से 16,000 हो जाता है 5 ईयर्स में, ठीक है। तो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि आर कितनी है। इसको हम बेसिक तरीके से भी करेंगे, देखते हैं बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। 12,000 की राशि 5 वर्षों में 16,000 रुपए, तो अमाउंट दे रखा है अपन को 16,000, ठीक है। और राशि दे रखी है जो हो जाती है वो होता है अमाउंट, और जो राशि ऑलरेडी पहले से गिवन है वो कितनी होती है, वो होती है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू 12,000 रुपए, ठीक है। 5 वर्ष टी दे रखा है अपन को, ठीक है। दर पूछ रहा है, सीधे सीधे अमाउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो अमाउंट दे रखा है 16,000, पी है 12,000, दोनों में से की पी कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर इंटू टी। आर पूछा है, टी कितना है 5 वर्ष अपॉन 100, सॉल्व कर लेंगे 00 से 00, ठीक है। 0 से 0 तो 4/3, 16 के नीचे 12 को लाएंगे तो 4/3 आ जाएगा, 1 प्लस 5 से 20 बार कट जाएगा, ठीक है। सिंपल है, यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 20, सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर r/20, ठीक है। तो r की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ से आ गए 20/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है अपने पास फोर्थ जो है ऑप्शन हो जाएगा इसका 20/3। ये बेसिक तरीका था, सीधे फॉर्मूले पे याद रखा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। अब सिंपल दूसरा क्वेश्चन ट्रिक से देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक। देख लेते हैं 12,000 की राशि कितनी हो रही है यहाँ पर 5 वर्षों में, ये लिखने की जरूरत नहीं मैं बता रहा हूँ, 16,000, ठीक है। इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, ठीक। तो जो हो जाएगा 4 × 8 = 16, ठीक है। तो 5 वर्षों में 3 से 1 हो गई, ठीक। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आया 1 का, ठीक है। तो 5 वर्षों में डिफरेंस आया 1 का, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 1/5। दर के लिए सीधे सीधे हम करेंगे, जितना डिफरेंस होता है बटे उसकी जो मूल वैल्यू है 3 × 100, ठीक है। सीधे परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी हमने किया था, क्या डिफरेंस बटे मूल वैल्यू, इसको हम मूल लिख लेते हैं यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, 100। तो डिफरेंस कितने का है 1 वर्ष में, 1/5 का, ठीक है। और स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी 3 × 100, ठीक है। तो सीधे सीधे स्ट्रिक के माध्यम से क्या हो जाएगा 100/15 यानी कि 20/3%, ठीक है। मैंने दोनों ही तरीके से करा दिया, ये बेसिक तरीका है, ये ट्रिकी मेथड है, ठीक है। ट्रिकी मेथड मुश्किल से 15-16 सेकंड लेगा, लिखने में टाइम मत वेस्ट करिएगा, क्वेश्चन पेपर को आप दिमाग में ये पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अनुपात निकाल लीजिए दोनों का 12 या 16 का, 3 और 4, ठीक है। तो 5 वर्षों में मिल रहा है, 1 वर्ष में निकाल लेंगे 1/5 परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बटे स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा अटके है। कितने वर्षों में, इसमें टाइम पूछ रहा है, साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 20% की दर से, आर दे रखी है इसमें, धनराशि दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, अमाउंट कितना दे रखा है, दुगना 2p यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू का दुगना दे रखा है, ठीक है। धनराशि दुगनी हो जाएगी यानी अमाउंट जो है प्रिंसिपल वैल्यू का डबल हो जाएगा, तो इसको हम 2p मानेंगे। इसमें पूछ रहा है टी यानी कि वर्ष कितना है, टाइम पूछ रहा है अपन से, समय पूछ रहा है इसमें, टाइम आर दिया हुआ है, अमाउंट और पी में रिलेशन दिया हुआ है और टी दे रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है। मान लेते हैं स्टार्टिंग वैल्यू अपने पास थी 5 रुपए की राशि थी, ठीक है, ठीक है। 5 रुपए थे मेरे पास स्टार्टिंग में, दुगनी यानी कि 5 × 2 = 10 रुपए, यानी कि अपने पास मूलधन कितना था स्टार्टिंग में 5 रुपए, वो मिश्रधन हो गया बाद में। कितने वर्षों में, ये टी पूछ रहा है हमसे, कितने वर्षों में ये दुगना हो जाएगा, यानी 5 का दुगना कितना होता है 10 रुपए,
ठीक है, यानी मैं पी और टू पी से भी लेके चल सकता था, लेकिन ये तरीका सरल है क्योंकि कैलकुलेशन ठीक मेथड से करेंगे इसको। 20% को हम चेंज कर लेंगे, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ये मैंने परसेंटेज में सिखाया था, कोई भी परसेंट वैल्यू दी हो उसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाला क्या आ जाता है, मूल, ये है 5, ये आ जाती है SI, ठीक है, इसको हम लिखेंगे मूलधन, और SI यानी कि ब्याज, ठीक है। 5 = ₹5 के, ठीक है। अब पूछ रहा है दोगुना करना है अपन को, तो दोगुने में डिफरेंस कितना आ रहा है, मूलधन से विच्छेदन में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का, ठीक है, 5 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। यहां पर देख सकते हैं मूलधन से ब्याज एक साल में कितनी मिल रही है हमें, ₹1, एक साल में ब्याज है ₹1, दो साल में ब्याज कितनी हो जाएगी, ₹2, इसी प्रकार 3 साल में कितनी हो जाएगी, ₹3, ठीक है। हमें ब्याज कितनी चाहिए, ₹5 की, तो 4 में ₹4 और 5 में ₹5, ठीक है, ठीक है। सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है इसमें, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। एक साल में जब ₹1 मिल रही है, ये मूलधन है ये ब्याज है, मूलधन ₹5 पर, ब्याज ₹1 कम मिल रही है एक साल में, ठीक है, देख सकते हैं। दो साल में इसी प्रकार ₹2 हो जाएगी, 3 साल में ₹3, 4 में ₹5, 5 साल में ₹5, ठीक है। तो हमें ब्याज की तरह जो डिफरेंस होगा मूलधन और मिश्रधन का, वही ब्याज होता है, ब्याज हमें चाहिए ₹5, हमें कितने मिलेगी, 5 साल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल मैटर है, नहीं तो आप इस फॉर्मूले से भी इसका यूज करके निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई दर से, इतनी दर से राशि 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 11 से ही 1/9% को हमने चेंज किया फ्रैक्शन में, या 1/9, ये होता है अपने पास मूलधन, ये होती है ब्याज, तो ₹9 का मूलधन था स्टार्टिंग में, यूनिट भी मान सकते हैं, वो हमें कितना करना है, 5 गुना, तो 9×5=₹45 करना है, ठीक है। तो हमें ब्याज कितनी मिली देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ₹36 की, ठीक है, ₹9 का मूलधन था अपने पास, हमें 5 गुना करना है, तो 9×45 हमें यहाँ पर प्राप्त करने हैं। तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि ब्याज कितनी हो जाएगी जो मिल रही है हमें क्वेश्चन के अनुसार, ₹36 की, ठीक है, ₹36 की ब्याज मिल रही है। अब इस पे आते हैं, मूलधन और ये ब्याज, एक साल में ब्याज मिल रही है ₹1 की ब्याज, दो में मिल जाएगी ₹2 की, इसी प्रकार ₹36 ब्याज कितने साल में मिल जाएगी, 36 साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना थर्ड सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, इसी तरह से किया है। इसमें ₹5 थी मूल वैल्यू, तो इसमें 5 मान लिया था, ठीक है, इसी प्रकार इसमें मूल वैल्यू लो है 9 है, तो 9 मान के चलेंगे, जो नीचे वाला होता है वही मूलधन मान के हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कुछ, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में कुछ राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो 24 वर्षों में वह कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसमें बेसिक तरीके से देख लेते हैं पहले, 8 वर्षों में कुछ राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है, ठीक है। अमाउंट कितना दे रखा है, A1, पहले हो जाता है 2P, ठीक है, ठीक, और दुगनी हो जाती है, तो इससे निकाल लेंगे हम 2P = P1+RT/100। सीधे फॉर्मूला लगाया हमने, अमाउंट बराबर पी प्लस ब्याज, दोनों में से पी कॉमन बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ से पी उड़ा देंगे, कितने वर्षों में हो रही है, टी की वैल्यू 8 वर्ष, तो 2 = दे रखा है 1+R/100, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, 8 से 12.5 बार इसको उठा के दल लाएंगे, तो 1 और 1 में 12.5 को गुणा कर देंगे, तो आर बराबर आ जाएगी अपने पास 12.5%, ठीक है, आर की वैल्यू पता चल गई। अब वो पूछ रहा है 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो अमाउंट का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, A' = दोनों में पी कॉमन, ठीक है, तो पी की वैल्यू आर हमें दे रखी है पी, ठीक है, बराबर आर 1+R/12 × 24/100, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, पी 12.5 से काट देंगे, 25 चौके 100 होता है, जो 8 बढ़ जाएगा, 8 से 3 बढ़ जाएगा, तो जो हो जाएगा 4 और 3, 3 और 1 4, तो A' आएगा अपने पास 4P, यानी कि बेसिक तरीके से देखें फॉर्मूले से, तो ये अमाउंट जो है वो मूलधन का 4 गुना आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो सिंपल तरीके से हमने क्या किया, पहले हमने दर निकाल ली। दर निकालने के बाद अब वो पूछ रहा है कितने 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो टाइम भी दे रखा है, दर हम निकाल चुके हैं, इसमें रखेंगे अमाउंट ऑफ पी में फिर से रिलेशन निकालना है, पी वही है तो पी इंटू फोर यानी कि चार गुनी हो जाएगी। बेसिक तरीके से चार गुनी भी आ रही, ठीक है। सेकंड तरीका देखते हैं, वो ट्रिकी मेथड है, ठीक है, ठीक है, मेथड से भी कर लेते हैं इसको। कैसे, इसको मिटा देता हूं, बेसिक तरीका होप करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल फॉर्मूला लगाना था इसमें, ठीक है। मान लेता हूं राशि थी एक रुपए, दुगनी हो रही है तो मैंने दो मान लिया, ठीक है। डिफरेंस कितने का आया, आठ वर्षों में डिफरेंस आया एक रुपए का, ठीक है। आठ वर्ष में हमने एक रुपए का डिफरेंस देखा इसमें, ठीक है, तो आठ वर्ष में आ रहा है एक रुपए का डिफरेंस, एक वर्ष में आएगा एक बटे आठ रुपए का, ठीक है। अब वो पूछ रहा है चौबीस वर्षों में कितने गुना होंगे, तो ये हो जाएगा चौबीस वर्ष के लिए बराबर एक बटे आठ जो एक वर्ष की थी इंटू चौबीस, तीन गुना सीधे सीधे, सॉरी तीन रुपए, तो चौबीस वर्ष में कितने रुपए कमाए उसने, तीन रुपए का, ठीक है। एक वर्ष में इतना आ रहा है, तीन रुपए और कमा लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने चौबीस वर्षों में तीन रुपए और कमाए, तो तीन रुपए प्लस एक रुपया जो मेरे पास ऑलरेडी है वो अपना क्या आ जाएगा, मिश्रधन, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे तीन रुपए प्लस एक रुपया, ये चौबीस वर्ष में कमाया गया रुपया है यानी कि ये ब्याज है, जब मैं मूलधन में ब्याज जोड़ दूंगा तो अपने पास मिश्रधन आ जाएगा चार रुपए, ठीक है। ऐसे ही लिख के चलेंगे, आठ वर्ष में निकाले एक रुपए, एक वर्ष में एक बटे आठ रुपए, चौबीस वर्ष में कितने रुपए कमाए हमने, तीन रुपए, ठीक है। तो एक वर्ष एक रुपए से चार रुपए पहुंचने में मुझे कितने चौबीस वर्ष लग गए, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा, देख लीजिए एक रुपए से चार रुपए पहुंच रहे हैं हम चौबीस वर्ष में, तो एक का चार कितने गुना है, चार गुना, ठीक है। सिंपल तरीके इससे भी कर सकते हैं, ट्रिकी मेथड है। इसी टाइप का ये क्वेश्चन भी है, अगर इसको इसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। एक साल में ब्याज की तरह से पांच वर्षों में कुछ पैसों से इनका तीन गुना हो जाता है तो पंद्रह वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, इसी तरह इसमें डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। मान लिया एक रुपए का था अपने पास स्टार्टिंग में, वो पांच वर्षों में कितना गया, तीन रुपए, तो डिफरेंस देख सकते हैं पांच रुपए में कितना ब्याज मिला, ये मूलधन था, मिश्रधन ये है, तो ब्याज कितने की आएगी देख सकते हैं, एक रुपए से तीन रुपए जा रहा हूं तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि दो रुपए की हमें ब्याज प्राप्त हुई, ठीक है। तो दो रुपए की या फिर लिख सकते हैं पांच वर्ष में कितनी ब्याज प्राप्त हुई, दो रुपए की, तो एक वर्ष की निकाल लेंगे हम दो बटे पांच रुपए। अब पूछ रहा है पंद्रह वर्षों में कितनी ब्याज प्राप्त हुई या कितने गुना हुआ, पहले तो पांच पंद्रह वर्ष की ब्याज निकाल लेता हूं, कि ब्याज बराबर दो बटे पांच गुणा पंद्रह, पांच तीन पंद्रह यानी कि छह रुपए, ठीक है। तो छह रुपए की ब्याज प्राप्त हुई हमारे पास, अब देख सकते हैं एक रुपए से छह रुपए की जब ब्याज मिली उसको तो एक प्लस छह मिश्रधन कितना हो गया, सात रुपए। अब वो पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा, देख लीजिए मूलधन था एक रुपए, छह रुपए की ब्याज लग के हमें सात रुपए मिला, तो दोनों में कितने गुने का डिफरेंस है, सात एक से कितना गुना है, सात गुना, ठीक है। इस तरह हम इसका आंसर निकाल सकते हैं वेरी सिंपल मेथड यानी ट्रिकी मेथड से, ठीक है। चलिए देखते हैं दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन है। आपको मैं सारे सिंपल मेथड बेसिक से भी करा रहा हूँ, सिंपल मेथड यानी ट्रिक से मेथड से भी करा रहा हूँ, एग्जाम में जो आपको अच्छा लगे उससे करिएगा, हाँ। लेकिन दोनों मेथड बहुत मेहनत लगती है, दोनों मेथड से क्वेश्चन कराने में और पूरा लेक्चर तैयार करने में। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांच वर्ष और दस वर्ष के लिए ब्याज की समान दर पर और निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। पांच वर्ष के लिए दो बार टाइम दे रखा है, ये टी वन मान लेता हूं, ये टी टू मान लेता हूं, नवा दर समान दे रखी यानी पहले भी आ रही थी और दूसरी भी आ रही है। पहले पांच वर्ष टाइम के लिए पूछ रहा है, दूसरा दस वर्ष के लिए पूछ रहा है, ठीक है। मूलधन वही है सेम, पहले भी मूलधन यानी कि पी था, अब भी पी है,
अब SI1 और SI2 में डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब रिलेशन पूछ रहा है या फिर कह सकते हैं अनुपात पूछ रहा है, यानी पहले ब्याज और दूसरे ब्याज में अनुपात। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, SI1 अपॉन SI2, पहले P1 R1 T1 अपॉन 100 बराबर P2 R2 अपॉन T2 अपॉन 100। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है सीधे सीधे, पहले भी P था तो P को P से काट देंगे, R R सेम है तो R को R से काट देंगे, T1 बाई T2, सीधे सीधे आंसर आ गया यहाँ से। तो 5 वर्ष 10 वर्ष, 5 अपॉन 10, सीधे टाइम का रख देंगे तो 5 × 5 और 2, तो SI1 अपॉन SI2 वही होगा जो T1 और T2 में अनुपात होगा। ठीक है, देख सकते हैं आंसर आएगा 1:2। ठीक है, हम सीधे भी देख सकते हैं, जब दर और पी समान हो तो सीधे सीधे फॉर्मूले में जो टाइम का रिलेशन हो, यानी टाइम में जो अनुपात दे रखा हो वही ब्याजों का अनुपात होगा। ठीक है, देख सकते हैं 5:10 यानी कि 1:2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण ब्याज पर 4 साल में कोई राशि 4,215 तथा 5 साल में 230 रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताइए। ठीक है, इसको अगर हम बेसिक से करेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ट्रिक मेथड से ही करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं 4 साल में कितनी हो रही है, वो 215 रुपए, और 5 साल में कितनी मिल रही है हमें, 230 रुपए। ठीक है, अब वो कह रहा है, अब देखिए दोनों सालों में डिफरेंस है, 1 साल तो कितने रुपए कमाए इन्होंने, 15 रुपए। ठीक है, तो 1 साल में हमने कितने रुपए कमाए, 15 रुपए कमाए। ठीक है, 15 रुपए कमाए हमने 1 साल में। अब स्टार्टिंग की वैल्यू देख लेते हैं, तो 4 साल में कितने कमाएंगे हम, 4 × 15 यानी कि 60 रुपए। ठीक है, तो 4 साल में 60 रुपए कमाए, 4 साल में कितनी अमाउंट हो रही है, वो 4 साल में अमाउंट जो है वो कितना है, हम जानते हैं 215 रुपए। अब अमाउंट है 215 रुपए, 215 बराबर होगा मूलधन यानी कमाए हुए प्लस मूलधन। ठीक है, अमाउंट बराबर 4 साल का जो है अमाउंट बराबर 215 है, तो 4 साल का अमाउंट बराबर मूलधन प्लस 4 साल की ब्याज। ठीक है, तो ऐसे मूलधन की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी, पी बराबर 215 - 60, ये 5, 11 में से 5 गए 5, ठीक है 155 रुपए। द्वारा देख लेते हैं इस मेथड को, इसमें कह रहा है 4 साल में 215 रुपए, ये है T1, ये है अमाउंट 1, ये है T2, ये है अमाउंट 2। ठीक है, 4 साल में कोई मिश्रधन मिलता है हमें 215 का, 5 साल में मिलता है 230 रुपए का, दोनों सालों में डिफरेंस आया 1 साल का, जितना डिफरेंस है मिश्रधन में, ठीक है कितने डिफरेंस है, 1 साल में मिश्रधन में कितना डिफरेंस आया, 15 रुपए, यानी हम 1 साल में कितने रुपए कमा रहे हैं, 15 रुपए। ठीक है, तो 1 साल में हम कमा रहे हैं 15 रुपए, यहाँ 4 साल का दे रखा है मिश्रधन, तो 4 साल, अगर हम 5 साल भी रखते तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, 4 साल का निकाल लिया हमने, 15 × 4 = 60 यानी कि 60 रुपए कमाए, ये हमारी कितनी हो गई, ब्याज हो गई। ठीक है, 4 साल में ब्याज कितनी हो गई, 60 रुपए, अमाउंट बराबर होता है मिश्रधन प्लस मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज रखी मूलधन निकाल लिए आंसर से। ठीक है, सीधे सीधे 155 रुपए। इस तरह आप बेसिक और ट्रिकी मेथड से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में कहेंगे तो बेसिक मेथड भी बता देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।